इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 3। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन और सेक्शन 1 करवाया था और सेक्शन 2 एविडेंस एक्ट का रिपील हो रखा है, तो आज हम कवर करेंगे सेक्शन 3, जिसके अंदर हम बेसिक डेफिनेशन कवर करेंगे, कोर्ट, फैक्ट, रेलिवेंट, फैक्ट एंड इशू, डॉक्यूमेंट, एविडेंस, प्रूफ, डिसप्रूव और नॉट प्रूफ। ये सेक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको आज ये समझ में आ जाता है तो आगे आने वाला एविडेंस आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये सेक्शन एक तरीके से बेस है एविडेंस एक्ट का, तो इसको प्लीज जरा ध्यान से समझिएगा। अब इसमें सबसे पहले डेफिनेशन आती है कोर्ट की, सेक्शन 3 कोर्ट। एक्ट में लिखा हुआ है कोर्ट मीन्स एंड इंक्लूड ऑल जजेस। अब इस चार्ट में देखिए आप, कोर्ट मीन्स एंड इंक्लूड ऑल जजेस, ऑल मैजिस्ट्रेट्स, ऑल पर्सन हु आर लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस बट एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। मतलब अगर हम कभी कोर्ट की बात करेंगे तो उसके अंदर हमें क्या क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, सारे जजेस, सारे मजिस्ट्रेट, और वो हर एक आदमी जो लॉ द्वारा एविडेंस लेने के अधिकारी हैं। क्या बोला मैंने, कोर्ट के अंदर हर एक जजेस इंक्लूड होंगे, हर एक मजिस्ट्रेट इंक्लूड होंगे, और एक हर आदमी होगा जो कि लॉ द्वारा, विधि द्वारा एविडेंस को, साक्ष्य को लेने के लिए अधिकृत होगा, ऑथराइज होगा। लेकिन उस पर्सन के अंदर कौन इंक्लूड नहीं होगा, आर्बिट्रेटर इंक्लूड नहीं होगा। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स में एविडेंस एक्ट लागू नहीं होगा। उसका बेस यही है कि सेक्शन 3 में हमने कोर्ट के अंदर आर्बिट्रेटर को इंक्लूड ही नहीं किया। कोर्ट में इंक्लूड हुए ऑल जजेस, ऑल मजिस्ट्रेट और ऑल पर्सन हु आर लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस बट एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। क्वेश्चन प्री में पूछता है, कोर्ट इंक्लूड व्हाट, जजेस, मैजिस्ट्रेट, आर्बिट्रेटर, या जजेस मैजिस्ट्रेट या आर्बिट्रेटर? तो हमारा ऑप्शन, हर बार याद रखना, आर्बिट्रेटर कभी भी कोर्ट में नहीं आएगा। अब इसके बारे में कुछ और फैक्ट हैं, कोर्ट मीन्स एंड इंक्लूड ऑल जजेस मैजिस्ट्रेट एंड ऑल लीगल पर्सन हु आर ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड दैट द डेफिनेशन ऑफ कोर्ट अंडर सेक्शन 3 इज नॉट एग्जॉस्टिव इन द फॉलोइंग मैनर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेक्शन 3 की ये डेफिनेशन जो कोर्ट की दे रखी है, ये अपने आप में पूर्ण नहीं है, अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं है। क्यों नहीं है, उसके भी रीजन है। अ फोरम थ्रू विच नेम एज एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल विच वॉज एम्पावर टू एग्जामिन विटनेस ऑन ओथ, रिकॉर्ड एविडेंस, समन रिकॉर्ड्स, अवार्ड कॉस्ट एक्सेट्रा हेल्ड टू बी अ कोर्ट। ऐसी कोई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जिसके अंदर ओथ दिलाई जाए, अवार्ड पास किया जाए, एविडेंस रिकॉर्ड किया जाए, समन इशू किया जाए, वो सब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कोर्ट माने जाएंगे। लेकिन एक लेबर कोर्ट, अ लेबर कोर्ट वॉज रिगार्डेड टू बी एन एक्सेप्शन विच इज नॉट ट्रीटेड एज अ कोर्ट इन द टेक्निकल सेंस। कोई भी लेबर कोर्ट हो गई, कोई भी कंज्यूमर फोरम हो गई, जहां पर ओथ नहीं दी जाती हो, जहां पर अवार्ड नहीं दिया जाता हो, वो सब कोर्ट नहीं माने जाएंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन, फैक्ट्स। अब हमारे पास फैक्ट होते हैं एविडेंस में दो तरीके के, एक फिजिकल और एक साइकोलॉजिकल, या एक फिजिकल एक मेंटल, फिजिकल या फिर साइकोलॉजिकल और मेंटल, दो तरीके के फैक्ट होंगे, फिजिकल या फिर साइकोलॉजिकल या मेंटल। फिजिकल में एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ द थिंग विच इज केपेबल ऑफ बीइंग कंसीव्ड बाय सेंसेस। एग्जांपल, ये हाइलाइटर, एनीथिंग, कोई भी थिंग हो गई, हाइलाइटर इज अ थिंग, स्टेट ऑफ थिंग, मेरे हाथ में पड़ा हुआ है, और एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, क्या स्टेट है, मेरे हाथ में पड़ा हुआ है। रिलेशन ऑफ थिंग, ये मेरा हाइलाइटर है, ये मनीष का हाइलाइटर है, तो ये उससे मेरा रिलेशन हो गया, जिसको कि हम अपने सेंसेस से महसूस कर सकते हैं, जिसको कि हम अपने सेंसेस से देख सकते हैं, जिसको कि हम अपने सेंसेस से महसूस कर सकते हैं। मतलब ऐसी कोई भी थिंग हो गई, या ऐसी कोई भी उस थिंग की दशा हो गई, या ऐसा कोई भी उस थिंग से मेरा संबंध हो गया, जिसको कि मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ, हाथों से महसूस कर सकता हूँ, या अपने कोई भी सेंसेस से उनको महसूस कर सकता हूँ।
अब अगर हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल या मेंटल फैक्ट की, तो उसमें क्या होगा, एनी मेंटल कंडीशन बाय विच अ पर्सन इज कॉन्शियस, ऐसी उस आदमी की मनस्थिति या ऐसी उस आदमी की मनोदशा जिसके कि उसके होश में रहने का पता लगे, वो होगी मेंटल फैक्ट या साइकोलॉजिकल फैक्ट। इसकी इलस्ट्रेशन आती है बार बार, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ दैट थिंग विच इज केपेबल बींग ऑफ बींग प्रसिव बाय सेंसेस। ये आपको डेफिनेशन एलिटेस एक्ट में मिल जाएगी। मैंने सिर्फ उसका चार्ट बनाया ताकि आपको एक पिक्चराइज फॉर्म में याद हो जाए। एनी मेंटल कंडीशन बाई विच अ पर्सन इज कॉन्शियस। अब इसकी इलस्ट्रेशन आती है, तीन चार आती है। राम सेड समथिंग अबाउट श्याम, तो ये एक फैक्ट हो गया। राम सी श्याम इज थेफ्ट, ये एक फैक्ट हो गया। मतलब किसी ने कुछ बोला वो फैक्ट है, किसी ने कुछ सुना वो फैक्ट है, किसी ने कुछ कहा वो फैक्ट है, मेरे किसी आदमी के बारे में ओपिनियन है वो अपने आप में फैक्ट है, मैंने किसी आदमी को डिफेम किया, मैंने किसी आदमी के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट बोला, मैंने किसी आदमी की इमेज को खराब करने की कोशिश करी, तो वो भी अपने आप में एक फैक्ट होगा। अब अगर मैंने किसी आदमी को उसकी इमेज खराब करने की मैंने कोशिश करी, तो ये भी एक फैक्ट है, लेकिन वो क्या है, वो मेंटल फैक्ट है। और मैंने किसी को कुछ बोला, किसी से कुछ सुना या किसी को कुछ कहा, तो वो एक फिजिकल फैक्ट है। आप जब इलस्ट्रेशन इसकी देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। अब दो तरीके के फैक्ट और होते हैं, लॉ हैज एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्ट। लॉ हैज मेनली टू डील विद थिंग्स अबाउट, बट ऑल्सो विद थिंग्स विच आर सो हिडन एज टू बियॉन्ड द फिजिकल ऑब्जर्वेशन। जो चीज हमें दिख रही है वो तो लॉ डील करेगा ही करेगा, लेकिन जो चीज हमें नहीं दिख रही है, अब मेरे दिमाग में किसी आदमी के बारे में क्या चल रहा है वो लॉ को तो नहीं पता, लेकिन जब वो चीज सामने आएगी तो लॉ उसको भी डील करेगा। एज अ स्टेट और अ कंडीशन ऑफ अ पर्सन्स माइंड, लॉ हैज ऑफन टू इन्वेस्टिगेट इन टू प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ गुड फेथ। जब कभी ऐसी स्थिति आएगी तो जो लॉ है वो ये भी देखेगा कि जो उसने काम किया है उसे इंटेंशनली हुआ है या एक्सीडेंटली हुआ है, उसने गुड फेथ में किया है या इलविल में किया है। गुड फेथ, इंटेंशन और नेग्लिजेंस, दीज आर द अदर काइंड ऑफ स्टेट ऑफ माइंड मे बी कंडीशनल ऑफ लाइबिलिटी। इट हैज बीन सेड दैट अ स्टेट ऑफ माइंड एंड माइंड इन सच मच एज फैक्ट द स्टेट ऑफ डाइजेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन, रेलिवेंट। अब किसी भी चीज को हम रेलिवेंट कब मानेंगे? वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट टू अनदर। एक तथ्य किसी दूसरे तथ्य से जुड़ा हुआ हम तब मानेंगे जब, व्हेन इट इज कनेक्टेड विद अदर फैक्ट, जब वो किसी दूसरे तथ्य से कुछ इस प्रकार जुड़ा हुआ हो जो कि मेंशन कर रखे हैं बाय एनी ऑफ द वे रेफर्ड इन द प्रोविजन ऑफ रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट विच आर कवर्ड इन सेक्शन 5 to 55। उस तरीके से जुड़े हुए हों जो कि हम आगे आने वाले सेक्शनों में 6 से 55 के अंदर पढ़ेंगे। एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से कुछ इस प्रकार जुड़ा हुआ माना जाएगा, या हम कहेंगे कि एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से जुड़ा हुआ है, तभी हम कहेंगे जब कोई एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से सेक्शन 6 से 55 के अंतर्गत आने वाली किसी भी एक सिचुएशन से या किसी भी अलग अलग सिचुएशन से जुड़ा हुआ हो। मतलब अगर कोई सिचुएशन 6 से 55 के अंदर आती है और उसके अकॉर्डिंग वो जुड़े हुए हैं, तो हम बोलेंगे कि एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से रेलिवेंट है। One fact is said to be relevant to another when the one fact is connected to another by any of the way referred in the provision of section 5 to 55, which is relevancy of fact. Next definition, most important definition, question baar baar aata hai. Fact in issue. Isko hum bolte hain apple of discord. Hindi mein jhagde ki jad. अब एविडेंस एक्ट को शुरू करने के लिए, एविडेंस को शुरू करने के लिए या किसी भी प्रोसीडिंग को शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले अगर कोई चाहिए तो वो चाहिए झगड़े की जड़, फैक्ट इन इशू, कि भैया असली मुद्दा है क्या। अब फैक्ट इन इशू, एनी फैक्ट ऑफ विच, या तो वो फैक्ट अपने आप में ही या किसी दूसरे फैक्ट से जुड़ करके बाय और आइदर बाय इटसेल्फ कनेक्टेड विद द अदर फैक्ट, या तो वो फैक्ट खुद या किसी दूसरे फैक्टर से जुड़ करके,
जो कि क्या बताएगा, किसी भी फैक्ट की एग्जिस्टेंस बताएगा या किसी भी फैक्ट की नॉन एग्जिस्टेंस बताएगा। अभी तक मैंने क्या बोला, कोई भी फैक्ट अपने आप में खुद या किसी दूसरे फैक्ट के साथ जुड़ करके किसी भी फैक्ट की एग्जिस्टेंस बताएगा या किसी भी फैक्ट की नॉन एग्जिस्टेंस बताएगा। इसके साथ साथ नेचर भी बताएगा और एक्सटेंट भी बताएगा। जो एक्सटेंट होगा वो कहाँ तक होगा, उसके राइट बताएगा, उसकी लाइबिलिटी बताएगा और उसकी डिसेबिलिटी बताएगा। एक्सटेंट में उसकी राइट, उसकी लाइबिलिटी और उसकी डिसेबिलिटी, जो कि या तो हमने एक्सेप्ट किए होंगे या हमने डिनाइड किए होंगे, या तो हमने उसको कबूल किया होगा या हमने उसको मना किया होगा, जो कि एक प्रोसीडिंग में चलेंगे और उस दौरान उसको नेसेसरी हमें फॉलो करना पड़ेगा। फैक्टिंग इशू का मतलब ये हो गया कि कोई भी ऐसे फैक्ट अपने आप में खुद या किसी दूसरे फैक्ट के साथ जुड़ करके जो कि किसी दूसरे फैक्ट की एग्जिस्टेंस बताएं या किसी दूसरे फैक्ट की नॉन एग्जिस्टेंस बताएं, साथ साथ उसका नेचर भी बताएं और उसका एक्सटेंट बताएं कहाँ तक, उसके राइट, उसकी लाइबिलिटी और उसकी डिसेबिलिटी तक, जिसको कि एक पार्टी ने एक्सेप्ट किया हो या फिर एक पार्टी ने उसको मना किया हो। कब मना किया हो, जब वो प्रोसीडिंग चल रही हो तब मना किया हो। आगे बढ़ते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ये भी है डॉक्यूमेंट, जो कि हम आईपीसी में भी पढ़ी है सेक्शन 29 में और एविडेंस में सेक्शन 3 में। दोनों में डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ आईपीसी में सेक्शन 29 में डील करेगा और एविडेंस में सेक्शन 3 में। डॉक्यूमेंट मीन्स एंड इंक्लूड वॉट, एनी मैटर अपॉन एनी सब्सटेंस। अब ये इसके ऊपर जो भी कुछ लिखा हुआ है, जो भी कुछ लिखा हुआ है ये मैटर है, और ये जो है पूरा ये अपने आप में सब्सटेंस है, या फिर ये जो भी इसके ऊपर लिखा हुआ है ये मैटर है और ये पूरा अपने आप में सब्सटेंस है। एनी मैटर अपॉन एनी सब्सटेंस, वेदर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब, किसी भी तरीके से हो, किस तरीके से हो, बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर और मार्क्स। लेटर उसमें प्रिंट हो रखे हो, फिगर उसमें हो, मार्क्स उसमें हो, या लेटर फिगर हो, फिगर मार्क्स हो, मार्क्स लेटर हो, या तीनों एक साथ हो, किसी भी तरीके से हो, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, जो कि विच आर इंटेंटेड टू बी यूज और मे बी यूज, जो कि एविडेंस की तरह यूज किए जा सके या एविडेंस की तरह यूज किए जा चुके हों, फॉर द पर्पज ऑफ एविडेंस फॉर रिकॉर्डिंग इन कोर्ट। कोई भी ऐसा मैटर किसी भी सब्सटेंस में, अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो जो डॉक्यूमेंट होंगे वो सिर्फ एक पेपर पे लिखे होंगे, किसी भी सब्सटेंस पे हो सकते हैं, कुछ भी लिखा हुआ हो, कोई भी मैटर किसी भी सब्सटेंस पे, चाहे वो सब्सटेंस ये हो, चाहे वो सब्सटेंस ये हो, चाहे वो कोई भी सब्सटेंस हो, आपका यही क्यों ना हो, ये भी एक सब्सटेंस है और इसके ऊपर लिखा हुआ वो भी एक मैटर है। तो अब सपोज कर लीजिए एक अनपढ़ वो दूध वाला है, उसको हिसाब किताब का कुछ नॉलेज नहीं है, वो जिस भी घर में दूध देने जाता है वो अब उसके दीवार पे एक काले कोयले से एक लाइन खींच देता है कि मैंने, अब उनको गिन गिन के वो लगाता है हिसाब कि मैंने इस घर में इतना किलो दूध दे दिया। तो जो उसने लाइनें खींची है वहां पे वो अपने आप में डॉक्यूमेंट है। आगे बढ़ते हैं। एविडेंस, एविडेंस अब हम एविडेंस खुद ही पढ़ रहे हैं तो ये डेफिनेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एविडेंस होता है हमारे दो तरीके के, पहला ओरल और दूसरा डॉक्यूमेंट। ओरल में क्या होता है, ऑल स्टेटमेंट, वो हर एक स्टेटमेंट जिसको कि एक कोर्ट अलाउ करे, विच द कोर्ट परमिट और रिक्वायर टू बी मेड बिफोर इट बाय इट्स विटनेस, वो हर एक स्टेटमेंट जिसको कि कोर्ट परमिट करे और उसके विटनेस के द्वारा उसको पेश होने के लिए कोर्ट बोले, इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। लेकिन वो एविडेंस कैसे होने चाहिए, उस मैटर ऑफ फैक्ट से जुड़े हुए होने चाहिए, उससे अलावा नहीं होने चाहिए। मतलब अगर कोई केस चल रहा है तो उस केस से जुड़े हुए एविडेंस ही कोर्ट परमिट करेगी, उससे बाहर कुछ नहीं परमिट करेगी। अब वो चाहे उस एविडेंस को खुद परमिट करे या उसके विटनेस के थ्रू वो परमिट करे, वो कोर्ट की मर्जी।
अब दूसरा आता है डॉक्यूमेंट्री, ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूसेस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल हो जाएंगे। अब इसमें क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इंक्लूड व्हाट, ऑप्शन आपको बिल्कुल देगा, तो आपको उसमें टिक लगाना है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो कि कोर्ट में पेश होंगे इंस्पेक्शन के लिए। आगे चलते हैं, ओरल एविडेंस मैंने बताया अभी आपको, ऑल स्टेटमेंट विच द कोर्ट परमिट और रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर इट बाय इट्स विटनेस इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। मतलब जो भी एविडेंस कोर्ट एंटरटेन करेगी वो सिर्फ उस मैटर के लिए ही करेगी या उस मैटर से जुड़े हुए करेगी, कोई आलतू फालतू नहीं करेगी क्योंकि कोर्ट के पास इतना टाइम भी नहीं होता। डॉक्यूमेंट्री, ऑल डॉक्यूमेंट इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूसेस फॉर इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट। जो भी कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए हम प्रोड्यूस करेंगे चाहे उसमें कुछ भी आ जाए वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिल जाएंगे। अब इसमें सीजे मोनियर एक जज थे, उन्होंने कहा लॉ ऑफ एविडेंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ रूल फॉर एसरटेनिंग कॉन्ट्रावर्टेड क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट इन जुडिशियल इंक्वायरी। इट बियर्स द सेम रिलेशन टू द जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन एज अ लॉजिक टू रीजनिंग। मतलब उन्होंने कहा है कि जो एविडेंस डील करेगा वो लॉजिकल डील करेगा, वो लीगल डील करेगा, इमोशनल डील नहीं करेगा। आगे चलते हैं, प्रूफ। अब प्रूफ्ड डिसप्रूव्ड में अगर आपको एक डेफिनेशन समझ में आ गई तो अगली आपको अपना समझ आ जाएगी, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना। प्रूव्ड में और डिसप्रूव्ड में सिर्फ एक वर्ड का फर्क आता है, नॉट का। कैसे? प्रूव्ड, अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड। एक फैक्ट तब प्रूव माना जाएगा, कब? आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर बिफोर इट, जब वो मैटर कोर्ट के सामने आया है और कोर्ट आइदर बिलीव इट टू एग्जिस्ट और कंसिडर इट्स एग्जिस्टेंस सो दैट अ प्रोबेबल प्रूडेंट मैन कैन ओथ। जब एक फैक्ट या जब एक केस कोर्ट के सामने आया और कोर्ट ने उस फैक्ट को समझा, डील किया, देखा, तो कोर्ट को ये लगा कि ये फैक्ट एग्जिस्ट कर सकता है या इसकी एग्जिस्टेंस है, और कोर्ट उस टाइम पर उसी आदमी की तरह सोचेगा, एक आम आदमी की तरह, जिस तरीके से एक आम आदमी सोच सकता है। सो दैट अ प्रोबेबल प्रूडेंट मैन कैन ओथ, और उसी स्थिति के अंदर सोचेगा जिस स्थिति के अंदर वो एक आम आदमी, मतलब एक सही सोच का आदमी, एक आम सोच का आदमी उस स्थिति में होता तो वो क्या करता। अंडर अ सर्कमस्टांसिस ऑफ पर्टिकुलर केसेस टू एक्ट इन अ सपोजिशन ऑफ एग्जिस्ट। मतलब अगर कोई ऐसी स्थिति आती है कोर्ट के समक्ष तो कोर्ट उस स्थिति को देखेगा और ये देखेगा कि क्या ये स्थिति एग्जिस्ट करती है, या क्या अगर एक कोई सामान्य बुद्धि का आदमी होता और वो इस स्थिति में होता तो क्या वो ऐसा करता। ये सब देख के वो कोर्ट देखती कि इस स्थिति के अंदर क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे प्रूव्ड, और डिसप्रूव्ड में कुछ भी नहीं लिखा। अ डिसप्रूव अ फैक्ट इज सेड टू बी डिसप्रूव्ड आफ्टर द कंसिडरिंग द मैटर बिफोर इट द कोर्ट आइदर डज नॉट बिलीव इट टू एग्जिस्ट। यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला कि एग्जिस्ट नहीं करता, और वो कैसे सोचेगा, एक सामान्य बुद्धि के आदमी की तरह, प्रोबेबल प्रूडेंट मैन की तरह। कंसिडर इट नॉट टू एग्जिस्टेंस सो दैट अ प्रोबेबल प्रूडेंट मैन कैन ओथ टू एक्ट अपॉन अ सपोजिशन एंड डज नॉट एग्जिस्ट। अब एक इसकी लास्ट डेफिनेशन है जो मैंने इसमें अभी टाइप नहीं कर पाया था उसको, उसकी डेफिनेशन है नॉट प्रूव्ड। जब भी कोई फैक्ट ना तो प्रूव्ड हुआ हो और ना डिसप्रूव्ड हुआ हो। क्या बोला मैंने? जब भी कोई फैक्ट ना तो प्रूव्ड हुआ हो और ना ही डिसप्रूव्ड हुआ हो तो उस केस में हम उसको बोलेंगे नॉट प्रूव्ड। क्वेश्चन जरूर पूछता है नॉट प्रूव व्हाट, तो हमारा आंसर क्या होगा? नाइदर प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव्ड इज नॉट प्रूव्ड। तो आज हमने सेक्शन 3 कवर किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपके प्लीज जो भी सजेशन है वो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।